माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग बिहार की अध्यक्षता में विकास भवन स्थित सभाकक्ष में ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विभिन्न विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं की आयोजित हुई समीक्षात्मक बैठक, योजनाओं को पूर्ण पारदर्शिता एवं गुणवत्ता के साथ स्व समय पूर्ण करने का दिया निर्देश। एक महीने के अंदर सभी जॉब कार्डधारियों को आधार वेस भुगतान करने का दिया निर्देश, नहीं करने पर संबंधित पीओ पर जवाबदेही कर होगी कार्रवाई। अपूर्ण इंदिरा आवास को पूर्ण करने को लेकर दिए गए निर्देश, अतिक्रमित जल स्रोतों को मुक्त करवाने एवं पुराने एवं सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार करने का भी दिया गया है निर्देश। जीविका दीदियों की आमदनी बढ़े एवं उनके जीवन स्तर में सुधार हो, इसके लिए जिले में ग्रामीण हाट विकसित करने एवं नए उत्पादन यूनिट शुरू करने को दिया गया है निर्देश। मंत्री ग्रामीण विकास विभाग बिहार पटना श्रवण कुमार की अध्यक्षता में मधुबनी जिले के विकास भवन स्थित सभाकक्ष में ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विभिन्न विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। उप विकास आयुक्त विशाल राज भारतीय प्रशासकीय सेवा ने जिले में संचालित ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के संबंध में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी। माननीय मंत्री ने समीक्षा के क्रम में जिले में ग्रामीण विकास विभाग की क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं यथा प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा आवास योजना, मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना, मनरेगा पौधारोपण, मनरेगा भवन निर्माण, जल जीवन हरियाली, जीविका लोहिया, स्वच्छ बिहार अभियान आदि की विस्तृत समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि योजनाओं को पूर्ण पारदर्शिता एवं गुणवत्ता के साथ सौ समय पूर्ण करें। उन्होंने मनरेगा की समीक्षा के क्रम में कहा कि अधिक से अधिक मानव दिवस का सृजन करें। उन्होंने कहा कि एक महीने के अंदर सभी जॉब कार्डधारियों का भुगतान आधार बेस भुगतान करना हर हाल में सुनिश्चित करें। इसमें शिथिलता एवं लापरवाही करने वाले पीओ पर जवाबदेही तय कर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने डीडीसी को निर्देश दिया कि इसको लेकर बैंकों के साथ बैठक भी कर ले। जॉब कार्डधारियों के आधार सीडिंग को 100% करने का निर्देश दिया गया। वहीं मनरेगा योजना में जिले की महिलाओं की बढ़ती भागीदारी पर प्रसन्नता भी प्रकट किया। गौरतलब है कि जिले में मनरेगा योजना में महिलाओं की भागीदारी 62% है। अपूर्ण मनरेगा भवनों को अविलंब पूर्ण करने का भी निर्देश दिया। इंदिरा आवास की समीक्षा के क्रम में डीडीसी को निर्देश दिया कि अपूर्ण इंदिरा आवास को लेकर बैठक कर ले, साथ ही इसको लेकर बैंकों के साथ भी एक बैठक करे। प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति से माननीय मंत्री संतुष्ट नजर आए। समीक्षा के क्रम में उन्होंने कहा कि जहां जमीन मिल जाता है वहां आवास हेतु जमीन उपलब्ध करवाए एवं वहां जमीन उपलब्ध नहीं हो पाता है तो वहां लाभुकों को निर्धारित राशि उपलब्ध करवाए। बासोपट्टी, बेनीपट्टी, फूलप्रास, जयनगर, झुंझारपुर सहित कई वीडियो के जॉब कार्ड के आधार सीडिंग में निम्न प्रदर्शन को लेकर अप्रसन्नता भी प्रकट किया। जल जीवन हरियाली की समीक्षा के क्रम में अतिक्रमित जल स्रोतों को मुक्त करवाने एवं पुराने एवं सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने चेक डैम का निर्माण, भवनों पर वर्षा जल संचयन, पौधा सोलह सृजन एवं पौधारोपण, सोखता का निर्माण, जैविक खेती, सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहन आदि को लेकर भी किए गए कार्यों की समीक्षा की एवं कई निर्देश भी दिए। जीविका दीदियों की आमदनी बढ़े एवं उनके जीवन स्तर में सुधार हो, इसको लेकर जिले में ग्रामीण हाट विकसित करने एवं नए उत्पादन यूनिट शुरू करने को लेकर माननीय मंत्री द्वारा कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया। उन्होंने कहा कि जीविका दीदियों की आमदनी बढ़े एवं उनके जीवन में अधिक से अधिक सुधार हो, इसको लेकर परंपरागत कार्यों के अतिरिक्त नए नवाचारी कदम उठाना होगा। उन्होंने कई जिलों में जीविका समूह द्वारा नए उत्पादन यूनिट लगाने एवं उसके ब्रॉडिंग की विशेषताओं पर विस्तार से प्रकाश भी डाला। उक्त बैठक में विधानसभा सदस्य हरलाखी, सुधांशु शेखर, डीडीसी विशाल राज, डीपीआरओ परिमल कुमार, डीपीओ मनरेगा रमेश कुमार, डीपीएम जीविका ऋषा गार्गी सहित सभी बीडीओ, सभी पीओ आदि उपस्थित थे। बीएनपी न्यूज के लिए मधुबनी से संवाददाता राजीव कुमार झा की रिपोर्ट।